बच्चों को नए एडमिशन कराते हैं, उनके स्ट्रेसेस देखते हैं, जब नए स्कूल में जा रहे हैं, फ्रेंड्स बनने के पहले आपने अपनी फ्रेंड्स छोड़ दी पीछे, फिर आपको अगर आजकल मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग, तो आप नया जॉब अपने लिए फिर ढूंढोगे, फिर सेट करोगे, तो चेंज ही है एंड दे आर यूज टू टेकिंग चेंज एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम व्हाट दे आर एंड इसीलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो भी जाती है. और बहुत बहुत साल हमने वैसे भी अकेले गुजारे होते हैं कि हस्बैंड करते हैं और आप बच्चों को देख रहे हो, इन लॉज को देख रहे हो, अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, अपनी भी हेल्थ देख रहे हो, अपना भी जॉब देख रहे हो, बैंक भी जा रहे हो, फीस भी जमा करा रहे हो, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर प्लेट एंड योर फैमिली्स. भी आसान नहीं है और सिविल में जो लगता है कि बहुत सारे पिकनिक्स पार्टीज और बहुत सारे इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो भी है क्योंकि वो जितना मिलता है उसमें इंजॉय करना भी सीख जाता है. वो उनको पता है कि अभी दो महीने अगर हस्बैंड छुट्टी आए हैं, यहाँ भी जाना है, वो भी करना है, 50 लोगों को पार्टी भी देना है, बिकॉज दे आर ग्रैबिंग स्लाइसेस ऑफ लाइफ और हर टाइम वो छोटे छोटे सेक्शंस में अपने जीवन जीना सीख जाते हैं. post grad courses what inspired her to write this book. So she said that, you know, I got a feedback that, you know, there was a female like who lost her husband like just after 1.5 years of marriage. So she said that, you know, ma'am, Google kar rahi thi ki how should we cope up with the loss. I couldn't find any. We naris kaise cope up kare. So bole mujhe Google pe kuch mila nahi. So you should write such book. So ma'am, aisi means ko aap agar kuch message dena chahte hain उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कोपअप करें, बस यू हैव फेस द व्यूज, तो क्या लगता है आपको फेस किया, प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे? देखिए, कोई भी सही तरीका इस चीज़, जैसे पेरेंटिंग है, कोई भी सही तरीका नहीं है पेरेंटिंग का, हर एक अपना तरीका ढूंढता है. आपकी बेटी को आपने जैसे पाला है वो डिफरेंट होगा जैसे मैंने अपनी बेटी. देयर इज नो लाइफ डिड नॉट गिव एनीबॉडी अ हैंडबुक कि आप 1, 2, 3 स्टेप्स करोगे तो फोर्थ पे पहुंच जाओगे. एंड ग्रीफ इज समथिंग सो पर्सनल. ग्रीफ इज ग्रीफ एंड लॉस आर आई थिंक द हाइएस्ट लेसन्स इन लाइफ. इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी हम्बलिंग. एकदम से आपकी लाइफ 180 भी क्या 360 डिग्री चेंज हो जाती है, घट जाती है और आप रह जाते हो अपने आप के साथ उसको कोप करने. तो वी कैन ओनली टेक इंस्पिरेशन, सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम ईच अदर. रास्ता तो ये हमारे ही है, हमने खुद ही चलना है और इसमें जितना जल्दी हमें वो स्ट्रेंथ आ जाए, आई थिंक इट्स अ गॉड्स गिफ्ट. और आई थिंक दैट दोज हु लीव यू, दे लीव यू विद दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ. एंड मे बी आई ऑल्सो फील इन मेनी वेज दैट यू आर द चोजन वंस. अगर तकलीफ दी है भगवान ने तो आपको उस तकलीफ को झेलने लायक भी सोचा हो. अगर आप उस लायक हो कि आप इस चीज़ को झेल रहे, इसीलिए आपको मिला है और इसीलिए शायद आपका जो जर्नी है, जो आर्ट है, वो शायद एक लेसन है, शायद आपके लिए लेसन है, शायद लोगों के लिए लेसन है. आई डू बिलीव इन कर्मा. तो कुछ तो कार्मिक इन्फ्लुएंसेस ये होंगे, बट इट इज़ गुड कर्मा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से निभाओ. तो जो आपकी जर्नी आप अकेले लिखी है, आप उसको कर पाओ ठीक से, आप अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पाओ. इनफैक्ट जिस टाइम ये हुआ है, जिस समय जैसे 12-20 बजे होगी तब भी ये बोर्ड एग्जाम दिए थे. और इस साल 2 बोर्ड्स हुए हैं, वो बोर्ड खत्म हुआ, फिर जून में 2 बोर्ड हुआ. और CVET जो आप जानते हैं किस तरह इन्होंने नया सिस्टम चलाया, तो हर एक चीज़ हमें आई डोंट नो वही है. ये साल जो भी हमें कटा है वो बहुत ज़्यादा हर पड़ाव का स्ट्रगल था, हर चीज़ में नयापन था, ये जो पहले कभी हुआ ही नहीं, 2 बोर्ड कभी हुए ही नहीं, कोई मॉडल पेपर्स नहीं है और
हर चीज़ लेट होती गई, आज तक ये कॉलेज के लिए लेट कर रही हूँ, तो मेरे को इसका टाइम बताना। जो बच्चा फ्री होता है वो ज़्यादा सोचता है, जो ज़्यादा सोचता है वो ब्रीफ भी ज़्यादा करता है, वो ज़्यादा फोटोज देखता है, वो ज़्यादा वीडियोज़ देखता है। तो इट हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर मी टू चैनलाइज हर एंड टू कीप हर माइंड पॉजिटिव एंड हैप्पी। और जो आप देखते हैं आशा लेकर जैसे स्माइल करती है, उस स्माइल के पीछे बहुत सारा सोरो है और बहुत सारी स्ट्रेंथ है। और वो उसके आई थिंक उसके पापा उसको ब्लेस करते हैं ऊपर से कि हमें ये स्ट्रेंथ मिलती है कि हम ऐसे हैं। तो जब पापा वहाँ गए तो मैसेज देखे गए थे आपने गोल्ड मुझे, तो जैसे मॉर्निंग जाते हैं यूज़ टू गिव मी अ स्मॉल पैक ऑन माय चीक एंड वो वैसे ही गए थे कि कल को आना था, उसको उठा के गए थे, बोला था उठ जाओ आज बिकॉज इसका बोर्ड था एंड आई वॉज टेकिंग माई क्लास, आई वॉज लॉगिंग इन फॉर माई क्लास एंड आई टोल्ड हिम कि तुम उसको उठा जाओ, मेरे से उठती नहीं है। एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग आई थिंक ही टोल्ड हर व्हिच इज़ द मैसेज ऑफ हर लाइफ कि यू हैव टू गो। She makes me proud every day. So what are you joining your profession? No, I've always been working. Okay, I've always been working. In fact, I have taken to teaching as a work-life balance to be an army wife. So to be a army wife who could manage her duties as an army spouse as well as wanting to work, I had become a teacher, and now that is what defines me. Now I'm the vice principal of Sri Ram School. So I'm very, I think that is now the purpose of my life, just that.